साउथ के अप्पू गौड़ा साहब नाकाम है, उमेश यादव साहब नाकाम है, द एंटायर बीजेपी इज फेल्ड। लीडर्स को वार्न कीजिए कि आप ये पिशाब पीजिए, गौमूत्र पीजिए। नरेंद्र मोदी जी की नौटंकी मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के आवाम जान चुके हैं। एनजीओ काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है। मैं मुबारकबाद देता हूं उन तमाम एनजीओ के जिम्मेदारों को। और कांग्रेस के लीडर्स ने यह भी कहा कि अगर ये नहीं होता तो गुलबर्गा नॉर्थ के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एजिटेशन करेंगे। नासिर हुसैन उस्ताद छोटे लेवल पर जाने की जरूरत नहीं। नासिर हुसैन उस्ताद जो आवाज उठाता है वो आवाम के इंटरेस्ट में उठाता है। फिर रहे हैं क्योंकि इलेक्शन है कॉर्पोरेशन का। उनको अपने दोस्त को, अपने भाई को, अपने बेटे को, अपने भतीजे को, अपने आप को टिकट लेना है। कॉर्पोरेशन इलेक्शन तो अभी मैं समझता हूँ कि 6 महीने तक होने वाला नहीं है। मैंने साफ तौर पे कहा, मैं किसी वर्कर का स्टेटमेंट को काउंटर भी नहीं देता। मुसलमानों के लिए बीजेपी से कोई तवक्कु नहीं रखा हमने। इक्तदार में गुलबर्गा कॉर्पोरेशन के इक्तदार में इंशाल्लाह 100% हम आएंगे। जब भी इलेक्शन होगा कम से कम 6-8 महीने लगेंगे। काम बता रहे हैं तो ये गुलबर्गा नॉर्थ एमएलए जो कांग्रेस के एमएलए हैं, इनका भी लगातार यही कहना है कि यहाँ पर गवर्नमेंट का बीजेपी की है इसलिए यहाँ पर काम नहीं हो रहा है। हेलो एवरीवन, मैं वसीम और आप सब देख रहे हैं गुलबर्गा हेडलाइंस। जिस तरह से आप लोग जानते हैं मुल्क भर में कोरोना वायरस की सेकेंड लेयर चल रही है, इसमें कई सारे लोगों को हम आपने मरते देखा है। इसे गवर्नमेंट की जो लापरवाहियां बढ़ती गई हैं, इसमें रेमडेसिविर इंजेक्शन, ऑक्सीजन बेड और कई सारे चीज़ों की खामियां और कमियां देखी गई हैं। इसमें आज हमारे साथ बात करने के लिए जनता दल सेकुलर के लीडर नासिर हुसैन उस्ताद साहब बैठे हैं। तो सबसे पहले मैं नासिर हुसैन उस्ताद साहब का हमारे चैनल पर वेलकम करता हूँ। शुक्रिया सर। जिस तरह से हम देख रहे हैं पूरे मुल्क भर में कोरोना वायरस की पहले फर्स्ट लेयर चल रही थी, सेकेंड लेयर में काफी सारे लोगों को हमने मरते देखा है। इसमें जो जिम्मेदारी थी गवर्नमेंट की, पहले जो फर्स्ट लेयर आया था, फर्स्ट लेयर में जो लोगों को हमने मरते देखा था, तो उसी वक्त जो है ना तमाम चीजों को अरेंजमेंट इनको करना चाहिए था गवर्नमेंट को। तो ये जो लापरवाही गवर्नमेंट की, इस पर क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु, आदाब। सबसे पहले तो मैं समझता हूं कि कोरोना के सेकेंड वेव में आज हिंदुस्तान की हुकूमत दुनिया भर के तमाम मुल्कों के सामने शर्मिंदा है। आज भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की हुकूमत कोरोना के सेकेंड वेव के अंदर बहुत बड़ी नाकामयाबी, आज जिस तरीके से इस पेंडेमिक को बड़ी आसानी से और बड़े गैर जिम्मेदारी के साथ नरेंद्र मोदी ने इसको लिया है, भारतीय जनता पार्टी ने इसको लिया है, उसके ऑर्गेनाइजेशंस ने लिया है। ताली मारने से कोरोना चले जाएगा, इस मुल्क के तमाम लोगों को ताली मारने लगा है। करंट लाइट ऑफ करने के लिए बताया गया। जिस तरीके से बयानात भारतीय जनता पार्टी के दीगर लीडर्स दे रहे हैं, मैं समझता हूं कि ये गो कोरोना गो, कम कोरोना गो, ये इस तरह के बयानात आरएसएस के, उनके फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस के लोग, गोमूत्र पीने से कोरोना चले जाएगा, काउडंग लगाने से कोरोना चले जाएगा, ये मैं समझता हूं कि ये बहुत ही अनसाइंटिफिक और गैर जिम्मेदाराना हरकत भारतीय जनता पार्टी कर रही है और कर चुकी है। इसका खामियाजा हिंदुस्तान को बहुत बड़े तरीके से इसको देना पड़ रहा है। यहां पर बहुत सारे जाने चली गई, यहां से एक गरीब इंसान से जो कूली का काम करता है, जो लेबर का काम करता है, उसको लेकर उससे एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट तक इसका खामियाजा भुगत रहा है हिंदुस्तान। आज नरेंद्र मोदी जो बयानात दे रहे हैं, और मुझे अफसोस इस बात का है कि ऐसे वक्त में भी भारतीय जनता पार्टी कोविड के इस वेव के अंदर भी, बेंगलुरु के अंदर एक इंसिडेंट होता है, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहां पर जिस तरीके से अपने ही एमएलए की गलतियों को जो है स्कैम को बाहर ला करके एक्सपोज करते हैं, उसमें भी कम्युनल करार देने की कोशिश करते हैं, उसमें भी हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश करते हैं। ये मैं समझता हूं कि उनकी घटिया सोच का आज मैं आपके सामने बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं बताना चाहता हूं कि
सेकेंड वेव में हो गया है, ब्लैक फंगस से 2 महीने हो चुका है आकर के। आज भी मैं गुलबर्गा की एक मिसाल लेता हूं कि गुलबर्गा के अंदर आज भी उसके इंजेक्शन नहीं मिल रहे। रेमडेसिविर ब्लैक मार्केटिंग हुई, ऑक्सीजन की किल्लत हुई, कोई प्लानिंग नहीं थी। ये कम से कम अब जबकि ब्लैक फंगस आकर के 2 महीने का वक्फा हुआ, 2 महीने का वक्फा हो चुका है, अभी भी हुकूमत इसके बारे में सीरियस नहीं है। तो ये नरेंद्र मोदी और तमाम बीजेपी के जो रीजनल चीफ्स हैं, ये मैं समझता हूं कि एक अल्टर फेलियर है। मगर आज के जो हालात हैं, बहुत बड़ा खामियाजा चुकाने के बाद आज अल्हम्दुलिल्लाह कोविड के केसेस कम हो रहे हैं गुलबर्गा के अंदर, बीदर के अंदर, यादगिर के अंदर, थोड़े डिस्ट्रिक्ट्स में कम हो रहे हैं। जो साइंसदान हैं, जो इस मेडिकल फील्ड के अंदर तजुर्बा रखते हैं, उन्होंने थर्ड वेव भी प्रेडिक्ट किया है। थर्ड वेव की तैयारी मैं समझता हूं कि हुकूमत की जिम्मेदारी है कि अभी से उसकी तैयारी करे और अवाम भी ज्यादा इस हुकूमत से एक्सपेक्टेशन ना रखे और इस बीमारी से दूर रखने के लिए अपने आप को पूरे प्रिकॉशंस में रहे। नरेंद्र मोदी जी की नौटंकी मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान की अवाम जान चुकी है। आज इस नौटंकी से, इमोशनल तकरीर से, आपके लफाजी से, आपके इन तमाम चीजों से हल होने वाला नहीं है। इसके लिए प्रिपेयरनेस होना चाहिए, फार साइटेडनेस होना चाहिए, दूरंदेशी होना चाहिए, आपकी मुकम्मल तैयारी होना चाहिए, आपका कमिटमेंट होना चाहिए और आपका काम बोलना चाहिए। और सबसे पहले तो आप अपने इन बीजेपी के अपने इन लीडर्स को वार्न कीजिए कि आप ये पेशाब पीजिए, गौमूत्र पीजिए, एक पैंडेमिक एक साइंटिफिक बीमारी है, एक साइंटिफिक हल होना चाहिए। जितना एफर्ट्स नरेंद्र मोदी, अमित शाह एक इलेक्शन को जीतने के लिए, जितना एफर्ट्स वो रामदेव बाबा को प्रोटेक्ट करने के लिए, अंबानी और अडानी को पैसे वाले बनाने के लिए लगा रहे हैं, उसका 10% भी अगर सीरियसनेस इस कोविड की लड़ाई में अगर लेंगे तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि आज हिंदुस्तान इस कोविड के खिलाफ इस जंग में जीत जाएगा इंशाल्लाह। सर, जिस तरह से आप पूरी जो आज पेंडेमिक चल रहा है इसका पूरा जिम्मेदार यहाँ की जो गवर्नमेंट को ठहरा रहे हैं, जिस तरह से आपने ये भी कहा है कि आवाम को गवर्नमेंट के भरोसे नहीं रहना है, तो यहाँ पर जो लेबर तबका है, ज्यादातर जो गरीब लोग हैं, उनको जब कोरोना वायरस होता है तो तमाम हॉस्पिटल्स में उनको ना बेड मिलता है ना ऑक्सीजन मिलता है, तो अगर वो लोग गवर्नमेंट से कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे तो किससे रखेंगे? आप देख सकते हैं यहाँ पर जो अपोजिशन लीडर्स हैं वो भी तमाम लोग खामोश है, कुछ एनजीओस को छोड़कर कोई यहाँ पर जो है ना फील्ड पर नजर नहीं आ रहा। ऐसे में आप देख सकते हैं कि खासकर अगर हम स्टेट में अगर कर्नाटक स्टेट की बात करें, यहाँ पर जिस तरह से आपने एक एमपी का भी जिक्र किया, वो भी जो है ना कम्युनल रन देने की कोशिश की बीबीएमपी में, जब वहाँ पर कोविड पे स्कैम चल रहा था बेड को लेकर, वहाँ पर एक खास कम्युनिटी को टारगेट कर वहाँ पर उसको स्कैम को जो है ना कम्युनिटी के ऊपर थोपने की वहाँ पर कोशिश की गई है। ये तमाम जो मामला जो स्टेट में पेश आ रहे हैं तमाम चीजें, तो आपकी जो पार्टी है जेडीएस पार्टी के जो सुप्रीमो हैं हजदी देवीगौड़ा हैं, कुमार स्वामी साहब एक्स चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी क्या जिम्मेदारी थी इसमें, उन्होंने क्या रोल अदा किया है तमाम वाकयात के ऊपर? जनता दल सेक्युलर के हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर, हमारे लीडर एचडी कुमार स्वामी साहब, वो पहले शख्स थे इस इंसिडेंट को कंडम करने में। जिस दिन ये हुआ, दूसरे दिन पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने इसको स्ट्रांगली कंडम किया और इसको इस बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इस हरकत को कड़े शब्दों में उन्होंने उसकी निंदा की। इसमें कोई दोराय नहीं है। और उसके अंदर जो उन्होंने कम्युनल एजेंडा लेकर के आए हैं, हिंदू मुस्लिम का कलर देने के लिए, जो एक नालायक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बेंगलुरु का करने के लिए उन्होंने ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए कि टारगेट किया जाए। और मैं समझता हूं कि ये भारत इस कोविड के अंदर जनता दल सेक्युलर एक अपोजिशन में है, सेंटर में तो हमारे एक एमपी है हासन के अंदर, देवेगौड़ा जी मुसलसिल मैं समझता हूं कि तमाम अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में अपने अपने खाईजीन से टच में है, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। अब हमारे भी मैं समझता हूं, मेरे को हालांकि कोविड हुआ था उसके बावजूद मेरे 3 सेशन हुए हैं, 3 सेशन यहां के हालात को
समझने के लिए और क्या जरूरत है, क्या खामियां हैं, उन इश्यूज को मुसलसिल कुमार स्वामी साहब ने मीडिया के जरिए, चाहे वो रेमडेसिविर की कमी हो, चाहे वो ऑक्सीजन की कमी हो, इन तमाम हुकूमत के खामियों को कुमार स्वामी साहब ने बखूबी एक जिम्मेदारी के साथ उन्होंने निभाया है। लेकिन अगर हम गुलबर्गा शहर की बात करें तो यहाँ पर हमने भी देखा है और तमाम गुलबर्गा शहर के लोगों ने देखा है, जिस तरह से गवर्नमेंट हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल में किस तरह से लाशें उठाई गई हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन की काफी सारी कमी यहाँ पर देखी गई, बेड की कमी देखी गई, वेंटिलेटर मिलने का नाम नहीं ले रहा था कोई हॉस्पिटल में, जिस तरह से यहाँ पर लाशें उठाई गई हैं। यहाँ पर अगर हम देखेंगे, एक एमपी है बीजेपी का, एक नॉर्थ एमएलए कांग्रेस के हैं, साउथ एमएलए यहाँ पर बीजेपी का है, तो इन तमाम चीजों में जो एमपी एमएलए की जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की जिम्मेदारी थी वो लोग कहीं यहाँ पर फील्ड पर नजर नहीं आ रहे थे। इसमें सिवाय एनजीओ के लोग जो काम कर रहे थे, होना ये चाहिए था कि वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वो काम उठाएं करें, वो जिम्मेदारी उठाएं। तो क्या लगता है आपको, जिस तरह से यहाँ पर जो मौतें हुई हैं गुलबर्गा शहर में, तो इसमें इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत की इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की साफ तौर पर फेलियर है, एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है। किसी ने भी कोविड के सेकेंड वेव को प्रेडिक्ट नहीं किया, उसकी तैयारी नहीं की। आज एनजीओस काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है, मैं मुबारकबाद देता हूं उन तमाम एनजीओस के जिम्मेदारों को, उनके जज्बे को, जिन्होंने ऐसे मौके पर आगे आकर काम किए। मगर एनजीओस का जो एक लिमिटेड सर्कल है, सर्विस ओरिएंटेड है, दे आर नॉट डिसीजन मेकर, दे कैन नॉट डिक्टेट टर्म्स, वो एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूर नहीं कर सकते किस तरह से काम करना है, वो अपनी जानिब पे जो उनको महसूस होता है वो काम कर रहे हैं। होना ये चाहिए कि यहां पर जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं वो आवाम को इजीली अवेलेबल हो, आवाम के मसाइल को लेकर के वो एडमिनिस्ट्रेशन के डायरेक्ट कांटेक्ट में जाए, ग्राउंड जीरो के हालात क्या हैं उसको एसेस करें, उसको देखें और उसका हल तलाश करें। मगर मैं इससे पहले भी आपके सोशल मीडिया के जरिए मैंने डायरेक्ट जो है चार्ज किया लोकल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को, मगर मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि एक मीटिंग हुई आयन शाही के अंदर, तमाम एक पार्टी के तमाम जिम्मेदारों को बुला करके, वहां पर कांग्रेस के जितने कांग्रेस के एस्पिरेंट्स हैं वो आए, उन्होंने एक प्रेस मीट की, उन्होंने ऐलान किया कि 400 बेड का हॉस्पिटल बनाएगा, 400 बेड बढ़ाए जाएंगे, फंक्शन हॉल जो है जीडीए के अंदर कहीं देखे हैं वहां पर जो है एक फंक्शन हॉल में कोविड सेंटर बनाएगा। और कांग्रेस के लीडर्स ने यह भी कहा कि अगर ये नहीं होता तो गुलबर्गा नॉर्थ के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एजिटेशन करेंगे। मैं इंतजार कर रहा हूं, कौम इंतजार कर रही है। साफ तौर पर जिस तरीके से नरेंद्र मोदी हर चीज में कम्युनलाइज कर रहे हैं और अपने आप को हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं, अपने इमेज को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, बगैर किसी जिम्मेदारी के साथ, बगैर किसी एहसास के साथ, आज हमारे गुलबर्गा के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के जहन में, दिल में सिर्फ और सिर्फ सियासत है। उनको आगे आने वाले कॉरपोरेशन इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए मीटिंग बुला करके उनके कांग्रेस के लीडर्स को सामने ठहरा करके हमारे खिलाफ बयानबाजी करवाते हैं। आज कहां है वो लोग? अवाम ने सोशल मीडिया के तमाम लोगों के बैठक को देखा, डायरेक्टली उन्होंने कहा था कि नासिर हुसैन उस्ताद पॉलिटिसाइज कर रहा है, छोटे लेवल पे जा रहा है। नासिर हुसैन उस्ताद छोटे लेवल पे जाने की जरूरत नहीं है, नासिर हुसैन उस्ताद जो आवाज उठाता है वो आवाम के इंटरेस्ट में उठाता है, ताकि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है वो अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाए और आवाम के जाने बचे, आवाम की हिम्मत अफजाई हो, आवाम को ये महसूस हो पैंडेमिक के अंदर जहां पर भूखमरी से लोग मर रहे हैं, परेशान हैं, गरीब आवाम को हॉस्पिटल में बेड्स नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन की कमी थी, रेमडेसिविर ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी। और मैं आपको यहां पे जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के जिम्मेदार लोग इस रेमडेसिविर के अंदर जो मार्केट वैल्यू है उस मार्केट वैल्यू से 5 गुना 10 गुना रेट वो खुद बोल रहे हैं। इंतजार में रहने के बाद नहीं भाई, बहुत मुश्किल है मिलना, आप अगर बोलेंगे तो हम 10,000 में भेजेंगे। मैं इस आवाम को तकलीफ ना हो इसीलिए मुझे टारगेट करना पड़ता है, मुझे टारगेट करने में उनको टारगेट कर उनको गाली देकर उनके खिलाफ बोल करके मुझे कोई एडिशनल कोई
सपोर्ट मिलने सपोर्ट मेरा जो मकसद आपके सामने बता रहा हूं कि ये मैंने किया, उनको सतर्क करने के लिए किया, मैंने उनको एक्टिव होने के लिए पब्लिक के बीच में आए काम करे मैंने उसको किया। उसके बावजूद बड़ी अफसोस की बात है कि ये जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है बिल्कुल इनसेंसिटिव है, इनएफिशिएंट है, मतलब बगैर एहसास के हैं। इनएफिशिएंट माने कोई काबिलियत नहीं है, अगर उनमें एहसास होता तो वो रुकती गुलबर्गा के और एड्रेस इश्यू को फेस करते। मैं फोन पे हूं, मैं बेंगलुरु में हूं, मैं एड्रेस करूंगी। ये बहुत ही गैर जिम्मेदार है। आज मजबूरी है कांग्रेस की, मजबूरी है आवाम की कि वो एमएलए हैं, दो साल हमें उनको देखना है। आज कांग्रेस के वर्कर्स लीडर्स उनके इर्द गिर्द फिर रहे हैं क्योंकि इलेक्शन है कॉरपोरेशन का। उनको अपने दोस्त को, अपने भाई को, अपने बेटे को, अपने भतीजे को, अपने अपने आप को टिकट लेना है, तो इसीलिए उनकी वाहवाही कर रहे हैं। जितने भी लोग गुलबर्गा शहर के अंदर एहसास वाले हैं, जहन वाले हैं, जिनको गरीबों की तकलीफ महसूस होती है, जिनको सियासी सोच है कि जो हमारे नुमाइंदा है वो नुमाइंदा हमारे बीच रहे, हमारे काम में आए, मैं समझता हूं कि आज हिंदुस्तान गुलबर्गा की तमाम आवाम जान चुकी है कि कांग्रेस के लीडर से कुछ होने वाला नहीं है। कांग्रेस के लीडर को अभी दो साल तक हमको काम लेना है और अल्लाह का करम है कॉरपोरेशन इलेक्शन डिक्लेयर हो चुका है, इसीलिए कांग्रेस के एमएलए कांग्रेस के लीडर आज फील्ड पे फिर रहे। मैं उम्मीद करता हूं कि मुझे कॉरपोरेशन इलेक्शन तो अभी मैं समझता हूं कि 6 महीने तक होने वाला नहीं है क्योंकि जिला पंचायत का इलेक्शन को पोस्टपोन किया गया है, 5 महीने उसका वक्फा है, उससे पहले तो कॉरपोरेशन होगा नहीं। 6 महीने तक तो कम से कम हमारे गुलबर्गा नॉर्थ के एमएलए एक्टिव रहे और थर्ड वेव आएगा, ये सेकंड जो ब्लैक फंगस के जो इंजेक्शन की कमी है उन तमाम इश्यूज को एड्रेस करके जिस तरह से आवाम का फायदा हो, हमारा कोई फायदा हम देख नहीं रहे इंशाल्लाह। जिस तरह से आप बात कर रहे हैं गुलबर्गा नॉर्थ एमएलए की, यहाँ पर जिस तरह से बीजेपी की गवर्नमेंट बीजेपी मैं आपको साफ तौर पर कह रहा हूं, मैंने क्लियरली कहा है नरेंद्र मोदी एंटायर इंडिया के जितने बीजेपी के चीफ मिनिस्टर्स हैं, यूपी के योगी आदित्यनाथ से लेकर के वहां पर लाशों को हिंदू हमारे हिंदू भाइयों को जलाने के लिए लकड़ी की खिल्लत रहने के बाद जो है उनको लकड़ी नहीं मिली तो जो है गंगा के जो है अंदर जो है 2000 लाशें मिलती है। बिल्कुल आज जो उनका मजहब सिखाता है कि मरने के बाद उनको जलाना है वो दफना रहे हैं, यही तो ये हिंदुत्व के नाम पर जीतने वाले उतने नाकामयाबी हुए। बी एस येडियुरप्पा सा यहाँ कर्नाटक के अंदर नाकामयाब है, कर्नाटक के हमारे साउथ के अप्पू गौड़ा साहब नाकाम है, उमेश यादव साहब नाकाम है, द एंटायर बीजेपी इज फेल्ड। एक वर्ड के अंदर मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको अब मैं जानता हूं अगर मैं नहीं बोलूंगा तो लोग बोलेंगे अरे उनके बारे में क्यों नहीं बोले, एमपी के बारे में, एमपी ने पूरा नरेंद्र मोदी की पूरी हुकूमत, भारतीय जनता पार्टी की पूरी हुकूमत इस सेकेंड वेव के अंदर टोटल कोलैप्स हो चुकी है। अब ब्लैक फंगस का मामला शुरू हुआ है, हमें रिक्वेस्ट करता हूं भारतीय जनता पार्टी से और सोशल ऑर्गेनाइजेशन से, एनजीओ से, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से स्पेशली, क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है, हमारे उलमाए दीन हमारे ताजिर जो कौम के लिए बड़े फिक्रमंद रहते हैं जज्बा रखते हैं वो बाहर आकर के कहां गलती होती है कहां खामी होती है वहां पर आवाज उठाना जरूरी है। अगर आप आवाज भी नहीं उठाते हैं तो मैं समझता हूं कि कोई बदलाव आने वाला नहीं है। बिल्कुल जिस तरह से आप लगातार बीजेपी गवर्नमेंट को नाकाम बता रहे हैं तो ये गुलबर्गा नॉर्थ एमएलए जो कांग्रेस के एमएलए हैं इनका भी लगातार यही कहना है कि यहाँ पर गवर्नमेंट का बीजेपी की है इसलिए यहाँ पर काम नहीं हो रहा है, इसमें गुलबर्गा नॉर्थ एमएलए की कोई गलती नहीं है, इसमें जो भी मौतें हो रही हैं, जो भी यहाँ पर रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी है या बेड्स की कमी है, इसमें बीजेपी जिम्मेदार है, इनकी क्या गलती है इसमें, इनको क्यों टारगेट कहना है। बिल्कुल वर्कर्स को मैंने साफ तौर पे कहा, मैं किसी वर्कर का स्टेटमेंट को काउंटर में नहीं देता, किसी पार्टी के वर्कर का काउंटर देने के लिए मैं नहीं बैठा हूं। कांग्रेस का वर्कर क्या बोलता है, कांग्रेस का लीडर क्या बोलता है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मेरा मकसद बड़ा साफ है, मेरा मकसद इतना है कि हमारे गुलबर्गा नॉर्थ के और सिटी के जितने लोग हैं उनको इस लड़ाई के अंदर, कोविड के खिलाफ के इस लड़ाई के अंदर उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किया जाए,
एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर गुलबर्गा नॉर्थ का अगर पेशेंट आता है तो उनके ताल्लुक से अटेंड करने के लिए जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने डॉक्टर्स हैं, जितने ऑफिसर्स हैं, उनमें झिझक हो। रेमडेसिविर ब्लैक में अगर बेचने के लिए झिझके हों उनको प्रोवाइड करना चाहिए। अगर नहीं, अगर रेमडेसिविर नहीं हो रहा तो एमएलए आवाज उठाएंगी, लड़ेंगी। ऑक्सीजन नहीं हो रही तो वो पूछेंगी। वो डर होना चाहिए ऑफिसर्स के अंदर। वो ऑफिसर्स के अंदर डर कायम करने के लिए इलेक्टेड डिप्यूटी जिम्मेदार है। मैं इसको आपको साफ अल्फाज भी अगर मैं बोलूं तो ये चार्जशीट होता है, एफआईआर बनता है, ये लीगल जवाब के अंदर एक्यूज नंबर वन कौन है? नरेंद्र मोदी और बीजेपी की हुकूमत। एक्यूज नंबर टू और मुसलमानों के लिए बीजेपी से कोई तवक्कु नहीं रखा हमने? क्या किसी मुस्लिम वोटर ने बीजेपी से तवक्कु रखा? उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके आवाज उठाने के लिए क्या बीजेपी से के लीडर से हम उम्मीद करते हैं? नहीं करते। एक मुस्लिम इलेक्टेड नुमाइंदा है तो वो इन तमाम चीजों को मॉनिटर करे, ऐसे क्राइसिस के अंदर वो खड़े हों और इन इश्यूज के लिए लड़े। ये एक्सपेक्टेशन हमारा है। एक्यूज नंबर टू वो कांग्रेस के इलेक्टेड डिप्यूटी। नंबर वन एक्यूज के अंदर कांग्रेस वाले जो वर्कर्स हैं, उनके जो लीडर्स कह रहे हैं, बिल्कुल एक्यूज नंबर वन कांग्रेस है, अभी बीजेपी है, नरेंद्र मोदी है, बी एस येडियुरप्पा है, यहां के हेल्थ मिनिस्टर हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, तुम्हारे बीजेपी के एमएलए हैं। एक्यूज नंबर टू कांग्रेस के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कहां है? हम कांग्रेस के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव प्रेस मीट कांग्रेस के वर्कर से करा दिए फिर चले गए। जिस तरह से आप कॉर्पोरेशन इलेक्शन की बात कर रहे हैं, आपने देखा कांग्रेस के तरफ से जो है कॉर्पोरेशन इलेक्शन की जिस तरह से तैयारी की जा रही है, जनता दल सेक्युलर की क्या तैयारी इसमें जनता दल सेक्युलर की तरफ से कांग्रेस कॉर्पोरेशन इलेक्शन के लिए? अब तो मैं समझता हूं कि हमारे सामने कॉर्पोरेशन का इलेक्शन नहीं है। मैं समझता हूं कि पहले पैंडेमिक कोरोना की लड़ाई के अंदर हम लोगों को एहतियात करना है, क्योंकि अब लॉकडाउन है और मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस के बहुत सारे प्रोग्राम्स इस पैंडेमिक के अंदर लॉकडाउन के अंदर भी इनॉग्रेशन फंक्शंस हो रहे हैं, लॉकडाउन के रूल्स को वायलेट करके कांग्रेस के खाए दिन जो है प्रोग्राम्स भी किए जा रहे हैं, और कॉर्पोरेशन के इलेक्शंस डिक्लेयर होने के बाद जो है वो राइस बात भी बांटे जा रहे हैं जिम्स हॉस्पिटल के, अलग क्रम है। कॉर्पोरेशन के इलेक्शंस के डिक्लेयर होने के बाद कुछ ना कुछ राइस बात ही सही गरीब आवाम को मुहैया हो रहे हैं। मैं समझता हूं कि बहुत सारे उम्मीदवार, बहुत सारे कैंडिडेट्स मुझे फोन के जरिए बात कर रहे हैं, मैं उनको भी साफ तौर पर कहा हूं और मुझे आवाम को मैं समझता हूं कि ये जिस तरीके से बिहेवियर हो रहा है, मोमेंट हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि 15-20 दिन के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं, मगर कोई गुंजाइश नहीं है इलेक्शन होने की। मुझे लगता है कि कम से कम 5 से 6 महीने, कम से कम 6 महीने लगेंगे इलेक्शन को आने में। तो कोई गड़बड़ नहीं है, हमको पहले इस लॉकडाउन का, इस सोशल डिस्टेंस का हम एहतियात करेंगे। इंशाअल्लाह ताला जनता दल सेक्युलर के हमारे पूरे वर्कर्स, पूरे लीडर्स हमारे हर गली के अंदर, हर वार्ड के अंदर हैं गुलबर्गा के अंदर। इंशाअल्लाह ताला जनता दल सेक्युलर हम इक्तदार में, गुलबर्गा कॉर्पोरेशन के इक्तदार में इंशाअल्लाह 100% हम आएंगे। जब भी इलेक्शन होगा कम से कम 6-8 महीने लगेंगे मुझे महसूस। बिल्कुल आखिरी में मैं चाहूंगा, जिस तरह से गुलबर्गा शहर की आवाम जानती है, नासिर हुसैन उस्ताद साहब और उनकी फैमिली में से भी कोरोना पॉजिटिव आए थे, आप भी जो है ना कोरोना पॉजिटिव देखे गए हैं, तो आखिरी में एक कोरोना लहर को लेकर जो लोगों के जहन में जो डर और खौफ है उसके ऊपर आप आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगे? तो मुझे और मेरे फैमिली में भी, हमारे मिसेस को, मेरे बेटे को भी जो है कोविड पॉजिटिव आया था, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल व करम है, आप तमाम दोस्तों का, चाहने वालों की दुआओं का नतीजा है कि इस महामारी से मैं बच चुका हूं। मैं ये अपील करना चाहता हूं कि इस बीमारी को डरने की जरूरत नहीं है। जैसे आपको कोई भी सिम्टम नजर आता है तो आप टेस्ट कीजिए, एहतियात कीजिए और मेडिकेशन कीजिए, इंशाअल्लाह ताला
ठीक हो जाए।